एग्जीक्यूटिव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। धर्मनगरी काशी में उल्लास के साथ मनाई ईद मिलादुन नबी का पर्व। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अदा हुई ईद की नमाज। ईद के अवसर पर लोगों ने सेवैयां खाकर व गले मिलकर दी ईद की मुबारकबाद। सपा नेता व पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह ने कहा, काशी में इस बार सपा हराएगी भाजपा को। और मातृ गंगा के वंदन के साथ पावन पुष्करलु पर्व का हुआ शुभारंभ। और अब खबरें विस्तार से। धर्मनगरी काशी में उल्लास के साथ ईद मिलादुन नबी का पर्व मनाया गया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लोगों ने ईद की नमाज अदा की। धर्मनगरी काशी में उल्लास के साथ ईद का पर्व मनाया गया। जुमे की देर शाम ईद का चांद दिखते ही मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में लोग खुशी से झूम उठे। घरों से लेकर बाजारों तक जश्न का माहौल हो गया। जहां एक ओर लोगों ने जमकर आतिशबाजी की, तो वहीं मुबारकबाद की शुरुआत हो गई। वहीं शनिवार को मुस्लिम बंधु पारंपरिक परिधानों में शहर की मस्जिदों और ईदगाहों में पहुंचे, जहां सभी ने एक साथ ईद की नमाज अदा की। वहीं कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच काशी के ज्ञानवापी में ईद की नमाज अदा की गई। नमाज अदा करने के बाद मुस्लिम बंधुओं ने एक दूसरे को गले मिलकर बधाई दी और कहा कि भाईचारे का प्रतीक है ईद का त्योहार। इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से व्यापक प्रबंध रहे, जिसमें एडिशनल पुलिस कमिश्नर, एसीपी एवं अन्य आला अधिकारी मौजूद रहे। आज ईद की नमाज बहुत जगह सकुशल संपन्न हो गया है। कुछ जगह अभी होने वाला है। पुलिस की समुचित व्यवस्था की गई थी और सभी अधिकारी भ्रमण पे रहे हैं और चप्पे चप्पे पुलिस की निगरानी पे और सकुशल संपन्न हुआ है। सीसीटीवी कैमरा के जरिए निगरानी की जा रही है और मैं सभी को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज जो है ईद की हम लोग ने ज्ञानवापी मस्जिद में ईद की नमाज अदा की है, ईद उल फितर, और पुलिस प्रशासन ने बड़े अच्छा इंतज़ाम किया है। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ काशी जो उनका, हमारे चौक थाने इंस्पेक्टर का और एसीपी अवधेश पांडे जी का, जिन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है। नमाज पढ़ने में किसी तरीके की कोई बाधा नहीं हुई, कोई भीड़ भाड़ नहीं हुई और अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा इंतज़ाम है और डेन काशी को, तमाम देशवासियों को, काशीवासियों को ईद की दिली मुबारकबाद। इसी कड़ी में लाट सरैया लाट पर ईद की नमाज सकुशल संपन्न हुई। बड़ी संख्या में मुस्लिम बंधुओं ने नमाज अदा कर एक दूसरे से गले मिलकर ईद की बधाई दी। इस दौरान पुलिस बल के साथ नगर के आला अधिकारी ने भी पहुंचकर ईद की मुबारकबाद लोगों को दी। लोगों ने अधिकारियों का स्वागत माल्यार्पण कर किया। मौलाना जियाउर रहमान ने नमाज अदा कराई एवं ईद पर्व के महत्व को बताया। मौलाना साहब, आज ईद के मौके पर क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का पर्व है? त्यौहार इस मस्जिद या ईदगाह के अंदर हम इकट्ठा इसलिए होते हैं ताकि एक दूसरे के भाईचारे को कायम रख सकें। सबसे बड़ा पैगाम ये यहाँ इकट्ठा होने का यही है कि एक दूसरे से जुड़ कर, जब हम अलग रहते हैं तो बहुत से फितने पैदा होते हैं, जब आपस में दिल मिल जाता है फिर बहुत से झगड़े खत्म होते हैं। आज ईद ईद की नमाज हुई है, कुछ जानकारी दें उसके बारे में। रमजान मुबारक के ख़त्म होने के बाद अल्लाह ताला सब बंदों से कहता है कि आओ हम उस पर मजदूरी दें,
उस मजदूरी के सिला ये है कि अल्लाह रब्बुल आला आज के दिन जो हमारे गलतियां खामियां होती हैं, जो गुनाह होते हैं, उस दिन आज के दिन हमारे गुनाह को माफ़ करता है। इसलिए आज हम ईदगाह में या मस्जिदों में जमा होते हैं ताकि अल्लाह की बारगाह में हम सजदा रेज़ हों, ताकि अल्लाह रब्बुल आला हमें गुनाहों से पाक साफ करे। आज ये जो ईद की नमाज़ हुई है कहाँ पर हुई है? कुछ ईदगाह मरकज़ी ईदगाह मस्जिद लाट। क्या ईद के मौके पर आज किस तरह का पर्व मना रहे हैं आप लोग? आज खुशी का दिन है, इस रमजान के बाद आज सामने ईद उल फितर अदा करने के बाद ईद की खुशी में हम सब लोग गले मिल रहे हैं, आपस में सेवैयां खा रहे हैं। इसी मुनासिबत से दो दिन से झूम कर ईद मिलन नाओ मनाया जाए, झूम कर ईद मिलन आओ मनाया जाए, जाम खुशियों का चलो सबको पिलाया जाए। कोई कांटा किसी दामन से न उलझे यारो, प्यार के फूल से गुलशन को सजाया जाए। और सदक़े फ़ित्र है बस इसलिए वाजिब तुम पर, सदक़े फ़ित्र है बस इसलिए वाजिब तुम पर, आज भूखा कोई बच्चा न सुलाया जाए, आज भूखा कोई बच्चा न सुलाया जाए। और इत्र और सेवैयाँ हैं दिखाने के लिए, इत्र और ये भी सेवैयाँ हैं दिखाने के लिए, मकसदे ईद है क्या सबको बताया जाए, मकसदे ईद है क्या सबको बताया जाए। इंसान के दिल के अंदर रोशनी पैदा हो जाती है। हम वही गुनाह और आम दिनों में करते हैं, कभी हमारा दिल खारा नहीं करता है, लेकिन जहाँ हम तसव्वुर करते हैं इसी क्रम में नई सड़क स्थित लंगड़े हाफिज मस्जिद में ईद की नमाज मौलाना मुफ्ती हाजी रकीउल्लाह कादरी के द्वारा संपन्न कराया गया। लोगों को शांतिपूर्वक नमाज अदा कराने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन द्वारा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। भारी पुलिस बल की उपस्थिति में नमाज अदा की गई। पुलिस कर्मियों ने भी एक दूसरे से गले मिलकर ईद की बधाई दी। लोगों ने नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे से गले मिलकर ईद की शुभकामनाएं दी। मैं आज ईद की नमाज़ पढ़ाने के बाद लोगों को ये पैगाम दे चुका हूँ कि आप लोग अपने घर वालों की
اپنے متعلقین کی، اپنے مذہب کی اور اپنے ملک کی حفاظت اور سالمیت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور کوشش کریں کہ ہم سب ایک بن جائیں اور نیک بن جائیں۔ عید کا پیغام ساری دنیا میں ہماری طرف سے اور ہم اہل اسلام کی طرف سے ہے کہ جتنے لوگ بھی اس زمین پر بسنے والے ہیں سب کو خوشحالی نصیب ہو، سب کے اوپر اللہ کی رحمت ہو اور سارے لوگ دنیا میں عیش اور آرام کی زندگی بسر کریں، اور آنے والے وقت میں بھی جب دنیا سے جائیں تو ان کو ہر طرح کی راحت اور عافیت نصیب ہو۔ آج عید کے اس موقع پر ہم یہی کہیں گے کہ سچا آدمی وہی ہے جو اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کی بھلائی کا خیال رکھتا ہے۔ جب تک ہم اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کی بھلائی کا خیال نہیں کریں گے تب تک ملک کے اندر امن و شانتی کی بنیاد مضبوط نہیں ہو سکتی۔ ہم پورے طور پر یہ چاہیں گے کہ سارے لوگ پورے ملک کے مل جل کے اپنے اپنے مذہب کے اوپر، اپنے اپنے طریقے کے اوپر عمل کرتے رہیں اور اس کی کوشش کریں کہ سارے لوگوں کے درمیان بھائی چارگی، اتحاد، اتفاق اور ملک کی سالمیت قائم رہے۔ اسی کرم میں ندیسر مسجد میں کافی سنکھیا میں لوگوں نے عید کی نماز ادا کی۔ سفید کرتا، پیجامہ و ٹوپی لگائے مسلم بندھوؤں نے ایک ساتھ نماز ادا کر اللہ سے دیش کے امن شانتی کی دعا کی۔ اس کے ساتھ ہی گلے مل کر ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دی۔ عید پرو کو دیکھتے ہوئے شہر بھر میں سرکشا کے پختہ انتظام رہے۔ اسی کرم میں نریا استھت عیدگاہ میں مسلم بندھوؤں نے عید کی پہلی نماز ادا کی۔ اس دوران دیش میں امن چین کی دعا مانگی گئی، ساتھ ہی ایک دوسرے کو گلے لگا کر تیوہار کی مبارکباد دی گئی۔ شکروار کی شام چاند دکھنے کے بعد عید کو لے کر مسلم بندھوؤں میں خاصا اتساہ رہا۔ وہیں شنیوار کی صبح نہا کر اور نئے کپڑے پہن کر مسلم سمدائے کے لوگ نریا عیدگاہ پہنچے۔ یہاں صبح کی پہلی نماز ادا کی گئی۔ اس دوران دیش میں امن چین کی دعا مانگی گئی تاکہ دیش میں شانتی و بھائی چارہ قائم رہے۔ عیدگاہ کمیٹی کے سدسیہ انور علی نے کہا کہ نماز ادا کر دیش میں امن چین کی دعا کی گئی۔ اس دوران سرکشا ویوستھا چاک چوبند رہی، عیدگاہوں و مسجدوں کے پاس پولیس تعینات رہی، وہیں افسر شیتر میں لگاتار چکرمن کرتے رہے۔ عید کے افسر پر لوگوں نے سویاں کھا کر و گلے مل کر عید کی مبارکباد دی۔
वाराणसी में बड़े हर्षोल्लास के साथ ईद का पर्व मनाया गया। लोगों ने नमाज अदायगी के बाद घरों में पहुंचकर अनेकों पकवान खासकर सिवई परंपरा के अनुसार खाकर पर्व की खुशी मनाई और भाईचारे का संदेश देते हुए सभी धर्मों के लोगों ने फल मिष्ठान खाया व सिवई खाकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद जुबैर के आवास पर लोगों ने पहुंचकर सेवैयां खाई और गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। जी परंपरा का निर्वहन होता है आपने। मैं शहर प्रदेश एवं देशवासियों को दिल की गहराइयों से ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करते हैं। एक महीना रोज़ा रखने के बाद अल्लाह ने हम लोगों को तोहफे में ईद दी। कल चांद रात होने के बाद आज सुबह हम लोगों ने नमाज़ें पढ़ी और उसके बाद गले मिले एक दूसरे से। जैसे हम लोग ये त्यौहार एक दूसरे के साथ गले मिलकर सेवैयाँ खा करके लोगों को त्योहारियाँ देकर मनाते हैं। ये मुल्क गंगा जमुना तहजीब हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारगी का पहचान है। गूंजे कहीं संग तो कहीं अजान हो, जिक्र जब एकता का हो तो नाम हिंदुस्तान हो। हर जगह एक दूसरे के साथ हर्षोल्लास से ईद मनाई जा रही है। हिंदू भाई मुसलमान भाई सब लोग एक साथ मिल करके खड़े होकर के गले मिल रहे हैं और सेवाई खा रहे हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। सपा नेता व पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह ने कहा काशी में सपा इस बार भाजपा को हराएगी। सपा नेता व पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह ने पत्रकारों से बातचीत की। ओम प्रकाश सिंह ने नगर निकाय चुनाव को लेकर पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि काशी में सीवर एक गंभीर समस्या बनी हुई है। जलकल और नलकल की व्यवस्था ठीक नहीं है। बीजेपी सरकार में हाउस टैक्स को बढ़ा दिया गया है। ठेले खोमचे वालों को डंडा मारकर हटाया जा रहा है। महिलाओं के शौचालय की व्यवस्था नहीं है। सपा से मेयर प्रत्याशी की जीत होने पर इन सभी कार्यों को करवाने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी हमेशा चुनौती कबूल करती है। कांग्रेस ने भी चुनौती दिया था, हमने कांग्रेस को खत्म कर दिया। सपा इस बार बीजेपी को काशी में हराएगी। वहीं उन्होंने उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि वो तो ऐसे मंत्री हैं जिनके अपने विभाग के अफसर ही नहीं सुनते हैं। G20 भारतीय जनता पार्टी का सपना है तो दिखाई नहीं दे रहा है। G20 सम्मेलन काशी की जनता को गुमराह करने के लिए किया जा रहा है। G20 से बनारस का कोई भला नहीं होने वाला है। कांग्रेस और भाजपा सपा खत्म करेगी, कांग्रेस को करेगी या किस रणनीति के तहत आप ये काम करेंगे? संपर्क से, कार्यक्रम से, लोगों से मिलजुल के और लोगों के साथ। सर एक आज निकाय चुनाव को लेकर किन प्रमुख मुद्दों को लेकर के आप लड़ाई लड़ेंगे संक्षेप में बता दीजिए। मैंने कहा अभी सामने भी मैंने कहा तीसरी बार बोला मैंने कहा शिवर एक गंभीर समस्या नलकर जलकर यहाँ पानी मर जाता है सब कुछ मर जाता है। यहाँ कोई जलकर नलकर का व्यवस्था टाइम बाउंड हम इतने समय में पानी देंगे इसी पानी को पीकर हमारे गरीब लोग हमारे बड़े लोग और हमारे काशी के लोग मरे और बड़े वो भी सबसे खराब है। तीसरी बार मैंने आपसे कहा कि हाउस टैक्स इतना बढ़ा दिया गया इतना बढ़ा दिया गया कि आप सोच नहीं सकते। यहाँ जो दिहाड़ी वाले मजदूर थे जो काम करते थे ठेला वाले खुमचा वाले टांगा वाले उनको डंटा मार मार के हटा दिया गया। उनकी व्यवस्था महिलाओं की शौचालय की व्यवस्था और तो और मैं उनकी भी व्यवस्था करने जा रहा हूँ जो हमारे मजदूर काम लोग करने वाले लोग थे उनको बेदखल कर दिया गया डंडा चला गया। हम उनकी व्यवस्था करने जा रहे हैं। हम महिला शौचालय अब जानते हैं इधर आप देखिएगा मार्केटिंग में सबसे अधिक महिलाओं की संख्या बढ़ी है परिवार में और उनके लिए बनारस में महिलाओं के लिए कोई बड़े बड़े जगहों पर कोई महिला शौचालय नहीं हम उनकी भी व्यवस्था करने जा रहे हैं। तो लगातार बीजेपी रही है मेयर 95 से बीजेपी है कड़ी टक्कर मानते हैं आप कितनी चुनौती होगी चुनाव में? चुनौती कबूल करना तो इतिहास का बड़ा दस्तावेज है।
हम चुनौती हमेशा कबूल किए, हमें चुनौती देने का हम नहीं किए, हमने चुनौती कबूल किया। कांग्रेस ने भी चुनौती दिया था तो उनको हम लोग रास्ता नाबूद किया दो दो बार। फिर भारतीय जनता पार्टी है उसको भी मैं कह रहा हूँ और मैं फिर दावे के साथ कह रहा हूँ कि समाजवादी ही पार्टी भारतीय जनता पार्टी को बनारस में हराएगी। बीजेपी से डिप्टी सीएम का बयान आया है कि सभी 17 नगर निकाय चुनाव पे बीजेपी के ही प्रत्याशी जीतेंगे। यार तो ऐसे मंत्री जिनके अपना विभाग अफसर नहीं सुनता है, अभी लोग मंत्री लोग और बोलापन में बोलते हैं कि अपने विभाग के अधिकारी तो इनका सुन नहीं रहा। बोलने का मुंह है 3 इंच का जो जितना बोल रहे, इन लोगों के बोलने वाला कौन है? ये तो बेचारा बेसहारा लोग है, इनकी बात अब कहाँ से सुन रहे हैं? ये अपने विभाग के किसी अधिकारी को बुलाकर मुझे कोई फैसला नहीं करा सकते। ग्राम विकास का पता कर लो, स्वास्थ्य विभाग का पता कर लो, एक सीएमओ की पोस्टिंग नहीं कर पाया, एक बड़े अफसर की पोस्टिंग नहीं कर पाया। ये लोग एक बार हम बोले थे शायद आपको याद, देखिए मेरा बाप के बच्चा, हाँ जी हमने देखा, हाँ जी तुमने देखा, हाँ जी सबने देखा, हाँ जी। ये लोग कुछ बोलने वाले, इनके बोलने कोई मतलब नहीं है, क्षेत्र है वो तो बोल ही नहीं रहा। जहां नगर निगम में हम लड़ने जा रहे हैं मजबूती से, और जो यहाँ से प्रत्याशी रहा है, जो यहाँ से दिल से बाहर, वो तो बोल नहीं रहा कुछ। इन लोग टिटेरी की तरह टांग उठाए खड़ा है, हम ही आकाश को टांगे हैं, अब इनकी बातें हमसे कुछ पूछ। अपना प्रत्याशी उतारा है, भाजपा ने भी अपना मेयर प्रत्याशी उतारा है, तो क्या लगता है कभी आपके साथ? हमें कुछ नहीं लगता, आप मुझे लगता हो लगे, हमें कुछ नहीं लगता। आप जब निगेटिव में देखने के लिए तय कर लिए तो आपसे काम बताए, जब आपको पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रहा है, निगेटिव में दिखाई, अपना दल क्या होगा क्या होगा, अपना दल से काम होता है। मंत्री, किसी भी चुनाव को लड़ने के लिए कार्यकर्ताओं के कंधे पे एक बड़ी जिम्मेदारी होती है सर, लेकिन इस चुनाव में कई आपके कार्यकर्ता नाराज भी हैं, उसको आप कैसे मनाएंगे? मेरा कार्यकर्ता हम मनाएंगे, कैसे मना लेंगे? प्यार से, मोहब्बत से, भाईचारा से, सिद्धांत से, वसूल से, रिश्तों से, कैसे मनाएंगे? और कैसे मनाया जाता है कार्यकर्ता, विधायक को कैसे मनाया जाता है? लगता है क्योंकि उनको एक ये है कि हम जो है इतना मेहनत किए हैं, हमें टिकट मिलना चाहिए था लेकिन हमें टिकट नहीं मिला, तो लगता है कि मान जाएंगे। नाराज लिस्ट है आपके पास, दे दीजिए, बीजेपी दूसरी माफ करने की माफ करेगा यार, आप बोलो तो आपसे पूछो ना, हमसे क्या पूछ नहीं, आप तो कैसे उसको जनता जनता कैसे उसको स्वीकारेगी कि आप तो सिर्फ उसको आप पार्टी कहीं लड़ाई में नहीं, आप पार्टी कहीं लड़ने नहीं जा रहे, आप पार्टी इस लड़ाई से 200 दूर है, अब आपको आपे पार्टी से दिखाई दे रहा है तो हम सुना जा रहे नहीं, हमें नहीं दिखाई दे रहा है, छोड़ो जो मंत्री बता रहे हैं, वहाँ सदन था, वहाँ गुजरात सेंटर बन गया, क्या बता। मैं यही बात तो आपसे बोला कि 95 से है, एक भी काम नहीं किए, ओम प्रकाश जी सदन भी बनाएंगे, टैक्स भी कम करेंगे, सीवर भी ठीक करेंगे, घाट भी ठीक कराएंगे, घाट के लिए अलग से बोर्ड बनाएंगे, घाट की सफाई के लिए अलग से मजदूर लाएंगे, घाटों का शहर है, घाटों के लिए आज तक कोई मास्टर प्लान नहीं बना, मास्टर प्लान बनाएंगे, ये काम ये करेंगे नगर निगम के। अच्छा जो जिसकी जमाने में टूटा है उससे ना पूछो कि आपने क्यों नहीं बनाया, हम बोलता कि हक नहीं मिला तो आपसे पूछ लगे शादी हुआ नहीं, बोले बच्चा पैदा हो गया, अरे सवाल नहीं उठाएंगे यार, ये कौन बात, अरे तमाम 6 बार वहाँ पे पार्षद रहे हैं, सब कुछ तमाम लोग आपके लोग वहाँ पे है, पार्षद आए हैं, ताकत नहीं थी उनके, कलम वो अधिकार नहीं था। मातृगंगा के वंदन के साथ पावन पुष्करलू पर्व का शुभारंभ हुआ। शुक्रवार की सांझ चारों वेदों की ऋचाओं के उद्घोष से गंगा की धारा तरंगित हो उठी। अवसर था काशी तेलुगु समिति व श्री राम तारक आंध्र आश्रम के संयुक्त तत्वाधान में पुष्करलू पर्व की
पूर्व संध्या पर मां गंगा के वंदन अभिनंदन अनुष्ठान का। इसके साथ ही दक्षिण भारत के लाखों आस्थावानों के धर्मानुरागी मन को पुण्य फल से सिंचित करने वाले परम पावन स्नान पर्व का औपचारिक शुभारंभ हुआ। विभिन्न पीठों के अधिपति, सैकड़ों वेदज्ञ व हजारों धर्मानुरागी इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। इसके पूर्व इन सभी ने 12 दिन के तप का संकल्प लेकर पंचामृत स्नान से अभिषिक्त गंगा का षोडशोपचार पूजन किया। इस दौरान मानसरोवर घाट पर आयोजित यह अनुष्ठान महोत्सव चारों वेदों के उद्घोष से गूंजता रहा। श्री सामवेद सन्मुख शर्मा, प्रसिद्ध प्रवचनकार गुंटूर शिवा स्वामी व नारायणानंद भारती स्वामी ने धर्मप्राण जनों का उद्बोधन किया व दिवंगत जनों की स्मृतियों को समर्पित इस महापर्व की महिमा बखानी। संचालन बीएचयू तेलुगु विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर चल्ला श्री रामचंद्र मूर्ति ने किया। इस अवसर पर तेलुगु समिति के गौरवाध्यक्ष व राज्यसभा सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव के प्रतिनिधि, समिति के उपाध्यक्ष प्रोफेसर नरसिंह मूर्ति व वीएस सुब्रमण्यम, सचिव वीवी सुंदर शास्त्री इत्यादि लोग उपस्थित रहे। आज क्या है यहाँ पे 22 तारीख को शुरू होने वाला था जी। 22 तारीख से वीवी सुंदर शास्त्री, सचिव श्री काशी तेलुगु समिति, मैनेजिंग ट्रस्टी श्री राम तारक आंध्र आश्रम, 22 अप्रैल से 3 मई तक चलने वाला श्री गंगा पुष्कर मेला, जो काशी में भी गंगा के तट पर कल से शुरू होने वाला है। इसकी पूर्व संध्या पर आज काशी तेलुगु समिति की ओर से घाट किनारे वेद पारायण, चतुर्वेद पारायण, चारों वेद का पारायण यहाँ होगा वेद पंडितों के द्वारा। उसके बाद गंगा का विशेष पूजा, पंचामृत विशेष पूजा किया जा रहा है ब्राह्मणों के द्वारा, जो कि गंगा जी का एक स्वागत, पुष्कर का स्वागत के लिए। तत्पश्चात गंगा आरती, विशेष आरती किया जाएगा 5 ब्राह्मणों के द्वारा। इसके बाद जो यहाँ काशी में लोग आ रहे हैं उनको स्वागत किया जाएगा। ये लोग काशी आए, गंगा जी नहाएं, तर्पण करें, सुख शांति से सभी लोग वापस घर जाएं। आज इसी के उपलक्ष में यह कार्यक्रम तय किया गया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अक्षय तृतीया एवं पुष्कर मेले की शुरुआत पर लोगों में शरबत का वितरण किया गया। अक्षय तृतीया एवं काशी पुष्कर मेले के शुभारंभ के अवसर पर दक्षिण भारत से आए हुए श्रद्धालुओं को चिलचिलाती धूप से राहत प्रदान करने के लिए थाना चौक पुलिस परिवार के मार्गदर्शन में रूपेश अग्रवाल जो ठाकुर प्रसाद पंचांग के प्रोपराइटर हैं के सौजन्य से बेल का शरबत व शीतल जल का वितरण किया गया। आए हुए श्रद्धालुओं द्वारा राहत महसूस करते हुए काशी की जनता का आभार व्यक्त करते हुए प्रशंसा की गई। लगभग 8,000 लोगों द्वारा बेल के शरबत का रस स्वाद किया गया। ये हमारे रुपेश जी हैं जो ठाकुर प्रकाशन, रुपेश पंचांग, उन्हीं के तरफ से ये कार्यक्रम है और जिसमें हम सारे लोगों का सहयोग प्राप्त है। बाहर के लोग आए हुए हैं, उनको कड़कती धूप में पेय पदार्थ दिया जा रहा है। समर्पण क्लासेस की छात्रा अनुष्का ने NMMS परीक्षा में 25वें रैंक हासिल की। समर्पण क्लासेस टिकरी की छात्रा अनुष्का ने राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित प्रतियोगिता परीक्षा में 25वीं रैंक प्राप्त की है। उन्होंने 91 अंकों के साथ इस रैंक को प्राप्त किया है। समर्पण क्लासेस की संस्थापिका KM लालसा के द्वारा छात्रा को सम्मानित किया गया एवं समर्पण क्लासेस परिवार की ओर से उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई।
प्रतियोगी परीक्षा पास की है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे और इसका श्रेय किसे किसे देना चाहेंगे? मैंने जो यह परीक्षा दी है मैं इससे बहुत खुश हूँ। मैं इसका श्रेय अपनी माँ और अपने क्लास टीचर और ट्यूशन की मैम को देना चाहती हूँ। मैम, जो आपकी बच्ची ने प्रतियोगी परीक्षा पास की है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर, इसके लिए मैं अपनी बच्ची को बहुत बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ और उसके उज्ज्वल भविष्य की कामनाएँ करती हूँ कि वो ऐसे ही आगे बढ़ती रहे। मैम, ये समर्पण कोचिंग आप चला रहे हैं, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? सर, जैसा कि मेरी कोचिंग का नाम ही समर्पण है तो उसके पीछे एक समर्पण भाव ही है कि हमारी गांव के एरिया से रहने वाले बहुत से बच्चे हैं जो सही सुविधाएं ना मिलने की वजह से शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तो बस मेरा एक उद्देश्य यही है कि जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो मेरे पास आगे पढ़ सकें और मैं उनको पूरे मन से पढ़ा सकूँ। धन्यवाद। मैम, जो आपकी बच्ची ने यह प्रतियोगी परीक्षा पास की है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो मेरी बच्ची ने परीक्षा पास की है, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और इसका श्रेय मैं स्कूल की टीचरों और ट्यूशन टीचर को देना चाहती हूँ और उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। भाजपा में 32 साल देने वाली गीता सिंह ने टिकट बांटने को लेकर धांधली का आरोप लगाया। नगर निकाय चुनाव में राजनीतिक पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं व कार्यकर्ताओं ने टिकट बंटवारे को लेकर नाराजगी जताई। वहीं बात करें तो बीजेपी में 32 साल से समय देने वाली गीता सिंह ने भी अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर टिकट में धांधली करके अपने चहेतों को टिकट देने का आरोप लगाया है। गीता सिंह का कहना है कि जिस तरह से हमने अपना समय बीजेपी में 32 साल तन मन धन से दिया, उसका आज संगठन के लोगों ने फल दिया है। मेरा वार्ड 56 महिला सीट होने के बावजूद संगठन के लोगों ने मुझे टिकट नहीं दिया, जिसकी हम निंदा करते हैं। देखिए, मैं अपना भाव व्यक्त करना चाहती थी और इसलिए आप लोग आए हो और अब मैं अपनी जो भी भावना है भाव व्यक्त करना है आप लोग के सामने करूंगी। क्या बातें हैं जिससे आप मीडिया के सामने रखना चाहती थी, क्या बातें? मीडिया के सामने ये बातें रखना चाहते हैं कि मैं आज से नहीं, अपनी सरकार नहीं थी, मैं 2002 से बीजेपी में पूरी तन मन धन लगाकर सब कुछ हम काम किए हैं। लेकिन संगठन से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या ऐसी मजबूरी थी कि एक कार्यकर्ता को छोड़ के किसी की पत्नी को टिकट दिया गया है और वो पत्नी कितनी संगठन का काम करी है? किससे ये सवाल आपका है? किससे? डबल इंजन की सरकार आपकी चल रही है, किससे आपका ये सवाल है? मोदी से, योगी से, या आपके संगठन के जिलाध्यक्ष से, या महानगर अध्यक्ष, या आपके किसी और संगठन के मंत्री? जी, मोदी योगी जी तो मैं जान ही नहीं रहे कि नीचे क्या चल रहा है। किससे आप? हमारे मोदी योगी जी तो कुछ भी नहीं जान रहे हैं। लेकिन मैं अपने संगठन के लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्या ऐसी मजबूरी थी कि एक कार्यकर्ता को छोड़ के और किसी की पत्नी को टिकट मिला है? उसकी पत्नी जो है कितनी कार करी है? किस वार्ड से आप टिकट मांग रहे थे बीजेपी से और सीट क्या थी? जी, वार्ड नंबर 56 था और महिला सीट थी और महिला प्रत्याशी थी। और किसी को पत्नी को क्यों दिया गया? हम बार बार इस बात को कहूँ, किसी की पत्नी को क्यों दिया गया? क्या लगता है आपको 32 साल का जो आपका सेवा दिया है अपने बीजेपी में, उससे भी हटके बीजेपी ने किसी और को टिकट दे दिया, तो अब क्या आपकी रणनीति होगी? क्या बीजेपी के साथ चलेंगे या कहीं और जाएंगे आप? देखिए, दिल तो मेरा टूट गया है, साफ कह रही हूँ, दिल मेरा टूट गया है और एकदम नहीं इच्छा करे कि मैं बीजेपी के साथ चलूं। तो क्या किसी और उसमें आप लेना चाह रही हैं या कहीं और जाएंगी आप? मैं नहीं कहीं जाऊंगी, ना तो हम वो चुपचाप अपने घर में बैठूंगी। तो बीजेपी के साथ रहेंगे इस चुनाव में या नहीं रहेंगे, वो अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं। आप 32 साल सेवा दी है, चोट हमको लगा कि हम कुछ नहीं बता सकेंगे कि संगठन के लोग मेरे साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया, कभी हम जिंदगी में नहीं सोचे। तो जब आपके साथ संगठन इतना बड़ा खिलवाड़ किया, तो आप उनके साथ कुछ चुनाव में ऐसा कुछ करेंगे जिससे संगठन को पता चले या बीजेपी को कुछ पता चले? लोग तो देखिए बुला रहे हैं कि आप बहन जी आइए, लेकिन मेरा अंदर से हिम्मत नहीं पड़ा कि मैं जाऊं। तो जिस प्रत्याशी को चुनाव में मिला है टिकट मिला है बीजेपी का, क्या उनके साथ आप प्रचार प्रसार करने जाएंगे? आप बीजेपी के संगठन में 32 साल आपने दिया है। नहीं नहीं भैया, मैं किसी के साथ प्रचार करने नहीं जाऊंगी। तो किसी के साथ प्रचार करने नहीं जा रही है जी। तो किस तरह से फिर आप बीजेपी को या छोड़ रही है या बीजेपी के साथ रहेंगी या इस चुनाव कब है? देखिए,
जब बीजेपी हमारे लिए नहीं सोचा इतने दिन से काम करे, मैं अपनी ब्यूटी पार्लर चला रही थी वो बंद कर दी, LIC के एजेंट था जैसे लोग कहते हैं कि घर की उर्दी जंगा में डालो, कहा तो है ना, वही चीज मेरे साथ हुआ है। नगर निकाय चुनाव में वार्ड नंबर 56 से निर्दल प्रत्याशी ने जीत का दावा किया। नगर निकाय चुनाव में वार्ड नंबर 56 से निर्दलीय प्रत्याशी सुचिता सिंह के पति रघुवीर सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि जिस तरह से इस बार बीजेपी ने टिकट बांटने का काम किया वो हम लोगों के समझ से परे है। हम लोगों ने कई साल बीजेपी के साथ चलने का काम किया था, लेकिन बीजेपी के संगठन ने वार्ड नंबर 56 में महिला सीट होने के बावजूद संगठन में जुड़े लोगों का ध्यान न देकर अन्य लोगों को टिकट देने का काम किया है, जिससे हम लोग काफी निराश भी हैं और निर्दल प्रत्याशी के रूप में खड़े होकर जीतने का काम करेंगे और वहीं बीजेपी के प्रत्याशी को हराने का भी काम किया जाएगा। बात करें आप बीजेपी से स्टार्ट हो गए थे, बीजेपी से जो है टिकट के लिए क्या हुआ कि ऐसा टिकट आपको ना मिला? बीजेपी से टिकट हम मांग रहे थे और उसके पीछे कारण भी था, ऐसे ही नहीं हम बीजेपी से टिकट मांग रहे थे। मैं पिछले 25 साल से ज़्यादा हो गया मुझे संघ से जुड़े हुए और यहाँ पर शाखा कारवा हूँ मैं, अम्बेडकर शाखा में मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं। बीजेपी में मैंने टिकट की दावेदारी किया, जब जब बीजेपी का कोई भी इलेक्शन रहा उस पर मैं एक कार्यकर्ता की तरह साथ दिया, ज़्यादा से ज़्यादा वोट बीजेपी के पक्ष में ले जाने का प्रयास किया और टिकट देने का पता नहीं क्या मापदंड संगठन ने बनाया तो वो मुझे नहीं जानकारी, लेकिन टिकट उन्होंने मुझे नहीं दिया, जबकि जनता की डिमांड है कि हम चुनाव को लड़ें। जनता के बीच से ये मांग आई कि हम चुनाव लड़ें, हमने जनता के बीच में काम किया था, जनता के दुख दर्द में खड़े रहे और उनका क्या मानक रहा ये हमारी समझ से परे रह गया। और जहाँ भी टिकट उन्होंने दिया, जिस भी प्रत्याशी को चयनित किया, वो मुझे या क्षेत्र को नहीं पसंद, इसलिए मैंने निर्दल चुनाव लड़ने का फैसला किया। बाबा का भी आपको आशीर्वाद मिल गया, बाबा का त्रिशूल आपको मिल गया चुनाव छीन, इतना दमदारी से जिस तरह से बाबा जो है काशी कहा जाता है कि त्रिशूल पे टिका हुआ है, किस तरह से आप परिवार को त्रिशूल पे टिकाएंगे? भाई साहब फाइल तो मैंने संगठन में दिया था भारतीय जनता पार्टी के, और यहाँ से फाइल रिजेक्ट हुई तो फाइल हमारी महादेव ने मंगा लिया और वहाँ से चुनाव निशान भेज दिया कि जाओ सुचिता सिंह, रघुवीर सिंह अब विजयी होकर आओ। तो कितना जो है जिस तरह से बाबा काशी में बाबा जो है कर रहे हैं, आप जो है त्रिशूल परिवार में किस तरह से लड़ाएंगे? नहीं, ये लड़ाई है, ये लड़ाई है और ये उचित चुनाव चिन्ह भी हमें महादेव की कृपा से मिला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट दिया ऐसे व्यक्ति को चयनित किया जो व्यक्ति 2012 से भू माफिया की कैटेगरी में घोषित है, पेपर में पूरा उनका नाम है, पूरा डेटा है और प्रधान रहते हुए उन्होंने बंजर जमीनों को बेचा, दोषी पाए गए। और कि मेरा एक मानना है कि अगर आप किसी पद को लेते हैं, किसी पद का दायित्व निभाते हैं, तो उसको आप एक व्यवस्थित तरीके से चलाइए, आपके पास मैन पावर होने चाहिए जो चीज़ों को फॉलो अप कर पाएँ और उसको जनता तक पहुंचा पाएँ। जैसे मैंने ये विचार किया कि हर गांव में ऊसर बंजर ज़मीनें हैं जिस पर भू माफियाओं की नज़र है, मेरा मानना है कि उन ज़मीनों को विभाग से क्लियर कराकर और उनकी बाउंड्री करा दें, जहाँ पर गरीब लोग अपना शादी विवाह कर सके, गांव के क्षेत्र के बड़े बुजुर्ग वहाँ बैठ सके, छोटे बच्चे खेल सके, ऐसा मेरा मानना है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, एक और मेरा मानना है कि जो गरीब बच्चे सरकारी स्कूल में कक्षा 5 तक कक्षा 8 तक पढ़ाई कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए एक निःशुल्क कोचिंग हर वार्ड के हर गाँव हर मोहल्ले में चलाई जाने की व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसे क्रिएटिव वर्क होने चाहिए। यहाँ प्रत्याशी सिर्फ पैसे के दम पर शराब और मुर्गा की पार्टियां देकर चुनाव जीतने का काम करते हैं, मेरा मानना इन सब चीज़ों पे नहीं है। मैं विकास करने के लिए राजनीति में आया हूं और कुछ नया करने के लिए राजनीति में आया हूं। सरकार अपनी तरफ से बहुत कर रही है, लेकिन जनप्रतिनिधि जो निचले स्तर पर हैं उनका भी चुनाव बहुत सही होना चाहिए, तभी योजनाएँ ऊपर से नीचे तक पहुँच पाती हैं और पहुँचेंगी। तो चलते चलते पुनः एक नज़र डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर।
धर्मनगरी काशी में उल्लास के साथ मनाई ईद मिलादुन्नबी का पर्व। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अदा हुई ईद की नमाज। ईद के अवसर पर लोगों ने सेवैयां खाकर व गले मिलकर दी ईद की मुबारकबाद। सपा नेता व पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह ने कहा, काशी में इस बार सपा हराएगी भाजपा को। और मातृ गंगा के वंदन के साथ पावन पुष्करलू पर्व का हुआ शुभारंभ। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।